हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूली साग। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ बेसन और मूली का साग। इसके लिए मैंने लिया है बेसन 1 कटोरी। इसे मैं लो फ्लेम पर रोस्ट करूँगी। बेसन जब रोस्ट होने लगता है तो उसका हल्का सा कलर चेंज होने लगता है और उससे बहुत ही अच्छी स्मेल आने लगती है। मैं इसे चलाते हुए रोस्ट करूँगी ताकि बेसन कढ़ाई में लगे ना, नहीं तो बेसन जल जाएगा। देखिए बेसन का कलर चेंज हो गया है और इससे खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ क्योंकि बेसन भुनकर रेडी है। इसे मैं निकालकर एक अलग बर्तन में रख लूँगी। अब मैंने कढ़ाई में लिया है मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को मैं गर्म होने दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी जीरा 1 टीस्पून, हींग 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मैंने यहाँ फ्लेम को लो रखा हुआ है। इन सारे मसालों को मैं अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लूँगी। ऑयल गर्म है ही। ये देखिए मसाला हल्का सा हो गया है तो इस पर मैं ऐड कर दूँगी मूली। मैंने यहाँ मूली के छोटे टुकड़े कट कर लिए हैं और इन्हें काटने के बाद धो लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी साग। साग को भी मैंने बारीक कट कर लिया है और काटने के बाद अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद अब मैं इसे कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब मैं साग में ऐड कर दूंगी नमक। नमक को साग में हल्का ही रखते हैं क्योंकि साग थोड़ा सा कम हो जाता है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर ही पका लूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए साग ने पानी छोड़ दिया है तो पहले मैं इसका हाई फ्लेम पर पानी को सुखा दूंगी। मैं साग को चलाती रहूँगी। इसे मैं 2 मिनट के लिए और ढककर पकाऊंगी। 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए साग का पानी बिल्कुल सूख गया है। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी बेसन जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ था। पहले मैं थोड़ा सा बेसन डालूंगी और साग को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि बेसन साग में मिक्स हो जाए। ये देखिए बेसन साग में मिक्स हो चुका है तो बाकी बचे हुए बेसन को भी मैं साग में ऐड कर दूंगी और इसे भी मैं फिर से अच्छे तरीके से चलाते हुए मिक्स कर दूंगी। मैंने यहाँ फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पर ही मैं इसे लगभग 1 मिनट के लिए ढक दूंगी और ढककर इसे पका दूंगी। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है तो मैंने ढक्कन को यानी लिड को निकालकर अलग कर दिया है। अब साग को मैं मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे तरीके से भून लूंगी। जब साग अच्छी तरीके से भून जाता है तो साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये बेसन का साग बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं बनाने जा रही हूँ मूली का साग दूसरे तरीके से। इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के दाने, हींग 1/2 टीस्पून, लहसुन बारीक कटा हुआ और अदरक ग्रेट किया हुआ। इसमें मैं ऐड कर दूंगी जीरा और इसे मैं मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी ताकि लहसुन और अदरक हल्का सा पक जाए। सारी चीज़ें पक गई तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे मैं ऑयल में अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि ये हल्का सा पक जाए। ये हल्का सा पक चुका है तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी मूली। मूली को मैंने काट कर धो लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मूली के पत्ते। इसे भी मैंने बारीक कट करने के बाद धो लिया है। अब मैं यहाँ पर मूली के पत्तों को डालने के बाद फ्लेम को कर दूंगी मीडियम क्योंकि मूली के पत्ते पानी छोड़ते हैं और इसे मैं मीडियम फ्लेम पर ही 2 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। 2 मिनट हो चुके हैं। मैं यहाँ पर साग को चेक कर रही हूँ। ये देखिए साग में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है तो इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और मूली हल्की सी पक चुकी है। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें क्योंकि पत्ते हल्के से सूखे हुए हैं ना तो सब्जी अब इससे ज़्यादा कम नहीं होगी। 2 चम्मच शक्कर और मैं इसमें ऐड करूंगी नींबू। मैंने यहाँ नींबू के सीड्स को निकाल कर अलग कर दिया है और नींबू को मैं सब्जी में निचोड़ दूंगी। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद मैं इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही फिर से ढककर पका दूंगी।
दो मिनट हो चुके हैं। सारी सब्जी को मैं एक बार फिर से चला दूंगी। देखिए शुगर इसमें मेल्ट हो चुकी है, तो इसे मैं खुला ही मीडियम फ्लेम पर भून लूंगी। ये देखिए सब्जी अच्छे तरीके से भुन चुकी है, तो ये हमारी दूसरे तरीके की मूली का साग बनकर रेडी है। अब मैं बनाऊंगी मूली का साग तीसरे तरीके से। कढ़ाई में मैंने ऑयल को प्रीहीट करके रखा हुआ है, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी मेथी दाना 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हींग, लहसुन बारीक कटा हुआ, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन सारी चीज़ों को मैं मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से पका लूँगी, यानी कि मैं लहसुन को पका दूँगी। ये देखिए सारी चीज़ें पक गई हैं हल्की सी, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी मूली। मूली को मैंने, जैसे कि मैंने पहले बताया है, बारीक कट कर लिया है, और कट करने के बाद मैंने उसे धो लिया है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ के आलू को कट कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी मूली का पत्ता, यानी कि मूली का साग। इसे भी मैंने बारीक कट करने के बाद अच्छे तरीके से धो लिया है, और इसे मैं लगभग 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पका लूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए पत्ते पक गए हैं हल्के से, तो इसे मैं मिक्स कर लूंगी। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं आलू को चेक करूंगी एक बार कि आलू पका है या नहीं। ये देखिए आलू बढ़िया तरीके से पककर रेडी है, तो इसे मैं हल्का सा पकाऊंगी ताकि सब्जी जो है वो पानी जो है उसका ना सब्जी का वो सूख जाए। इसे मैं खुला ही पकाऊंगी। इसी सब्जी में मैं ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर। मैंने यहाँ 2 टमाटर को बारीक कट कर लिया है। इसे भी मैं सब्जी में ऐड कर दूंगी, और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसे 1 मिनट के लिए ढककर पका दूंगी। 1 मिनट हो चुका है, और ये देखिए टमाटर भी हल्का सा पकाया है मैंने टमाटर को, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। जब हम इसे भूनते रहेंगे तो टमाटर भी अच्छे तरीके से पक जाएगा। अभी सब्जी में पानी है, तो इसे मैं मीडियम फ्लेम पर पानी को सुखा लूँगी। ये देखिए पानी सब्जी से बिल्कुल सूख गया है, और सब्जी भी अच्छे तरीके से भुन गई है, तो ये तीसरी सब्जी हमारी बनकर रेडी है।